focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. बॉलीवुड में सुपर हीरोज मूवी के दौर में एक और नई मूवी रिलीज होने वाली है सुपर हीरोज की, जिसका नाम है क्रीना। आइए बात करते हैं उसके प्रोड्यूसर और लीड एक्टर से और जानते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी सामाजिक मुद्दों पर बनी हुई मूवी है। ये हमने बारीकी से जो समाज के अंदर जिस तरीका से हमारा जैसे पानी का कमी आज के आए दिन अभाव होता जा रहा है कमी का, उस मुद्दे को लेकर के और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर के हमने मूवी बनाई है। और क्रीना मीन्स कृष्ण का दूसरा रूप आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर मूवी है। पहली मूवी में एज अ लीड एक सुपर हीरो का रोल करने को मिल रहा है, हम बहुत प्राउड फील होता है और बहुत प्राउड फील क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है फर्स्ट फिल्म में मेन लीड करने के लिए। और स्टार्टिंग में लगता है कि क्या पता टीचर्स को लगे कि हाँ बच्चा स्कूल में है, बट टीचर्स को भी बहुत प्राउड फील होता है अब कि हाँ भाई हमारे क्लास का बच्चा। मेरे फ्रेंड्स बहुत प्राउड फील होता है। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा टफ हुआ एक्टिंग, बट इन फ्यू वीक्स वो सब सॉल्व हो गया था। वर्क लाइफ या लाइक नाउ आई एम फाइनली लाइक फोकसिंग ऑन माय स्टडीज फर्स्ट एंड आई हैव टू कंप्लीट माय स्टडीज एंड देन कम इनटू द बॉलीवुड। एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग में कोई कठिनाई है? बहुत कठिनाइयाँ आई क्योंकि फॉरेस्ट में हम लोग शूट कर रहे थे और इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसमें इतनी बड़ी पूरी विग लगाई उसमें बहुत मेरे को दिक्कत होती थी और बेफुट रनिंग करनी थी फॉरेस्ट में, तो बहुत बार पैर में स्पाइक्स भी गए, बट शूटिंग कंटिन्यू होने के लिए हुई प्रॉब्लम्स सर, वो भी मूवी के लिए होते गए। मूवी रिलीज़ हो रही है, मूवी 8 जून को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉम 1500 टू 2000 स्क्रीन्स में। अगर रिस्पांस अच्छा था, करीब 1 मिलियन से ऊपर व्यूज आए हैं, सो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई भी एक भी फेक व्यूज नहीं है, ओरिजिनल हैं, खरीदे हुए नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जा कर के मूवी देखें, आपको अच्छी मूवी पारिवारिक मूवी देखने को मिलेगी। जी धन्यवाद। कृष्णा बेसिकली क्रीना इज बेसिकली पार्ट ऑफ कृष्ण भगवान का अंश है, सो इट्स समथिंग टू डू विद माइथोलॉजिकल यू नो स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग लाइक हाउ यू सीन बाहुबली एंड ऑल, सो इट्स काइंड ऑफ अ सुपर हीरो सब्जेक्ट, सो आई एम जस्ट सपोर्टिंग द फिल्म एज अ फ्रेंड एंड नो आई हैव नॉट इवन सीन द फिल्म बट आई विल बी सीइंग द फिल्म ऑन द 8th ऑफ जून, सो आई एम जस्ट सपोर्टिंग माय फ्रेंड्स दैट्स ऑल। कोई भी डिफरेंट जॉनर की मूवी नहीं आ रही, तो हम हमारा खुद का सोचना था कि जो चल रहा है उससे हम डिफरेंट अलग क्या कर सकते हैं, तो हम डिफरेंट जॉनर की मूवी लेके आए आपके सामने। और कोई भी मूवी हो महाभारत और रामायण के बीच से ही निकल के आती है, जैसे अच्छाई और बुराई तो पात्र होते हैं उसमें, बुराई कितनी भी चाहे प्रबल हो कितनी भी ताकतवर हो अच्छाई के सामने उसको घुटने टेकने ही पड़ते, लास्ट में अच्छाई की जीत होती है। इट्स लाइक यू नो यू सी दशहरा यू सी महाभारत इट ऑलवेज हैज अ गुड मैसेज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, इसके अंदर आप अच्छाई की जीत, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सामाजिक तत्व मिलेंगे जो कि हमारे बीच में ही होते हैं बट हम उनके लिए चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते, वही हमने सामाजिक मुद्दों को उठा करके जैसे आज पानी की कमी दिन ब दिन होती जा रही है उसके लिए कोई सीरियस नहीं है, पानी के बिना हमारा जीवन कैसा है, उसके बिना कैसी कैसी तकलीफें हमें झेलनी पड़ती हैं, हम वृक्ष काट रहे हैं किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, आए दिन पानी के लिए हमें परेशान होना पड़ रहा है, तो वही यीशु हमने इस मूवी में सामाजिक मुद्दे बना करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए ये टोटल अपनी कॉमर्शियल मूवी है और इसमें जो ट्राइबल आप देखते हैं वो एक हमारी सोच थी बजट को कम करने के लिए, बाकी गरीब लोगों पे असहाय लोगों पे और आम जनता के ऊपर बनाई हुई हमारी ये स्क्रिप्ट है। कास्ट में इसमें
सुदेश बैरी हैं, सहबाज खान हैं, इंद्र कुमार हैं, दीपशिका हैं और सुधा चंद्रन हैं, पुनिष्का शर्मा हैं, पार्थ में लीड में हैं उसमें। 8 जून को रिलीज। I was very excited first of all because I'm feeling really proud of that. I've got the opportunity to like the main lead in the film. So it was a really nice experience also with the director Shyamal Kiran Mishra ji. There were some problems in the first week with the acting because I felt really nervous at the first time. But in a week or 2 weeks it was fun. Main thing thi ki hum log forest mein so shoot kar rahe the aur bahut garmi thi us time mein to fir barefoot running karna forest mein वो बहुत मुश्किल होता था और थोड़े सीन थे बहुत इमोशनल जो सीन थे उनमें दिक्कत हुई थी रोने के लिए तो फिर जब रोने के लिए बोलते तब हंसना आता जब हंसने के लिए तब रोना आता था बट धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो गया। नहीं ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी थोड़े दिन पहले क्रिएटिव डायरेक्टर जी वो मेरे को ऐसे ही मतलब बता रहे थे कैसे एक्सप्रेशन देने कैसे डायलॉग होना चाहिए। समथिंग 70 डेज के करीब में ये शूटिंग चली है। 8 जून 2018 को। देखिए हमारी मूवी का नाम आपने देखा है क्रीना। क्रीना मीन्स कृष्ण का रूपांतर, कृष्ण का दूसरा अवतार हम सूक्ष्म में आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो हमें ऐसे बच्चे की तलाश थी जिसकी उम्र जो है 12 से 13 साल में, तो यही हमारी कहानी की डिमांड थी। उस डिमांड को लेकर के हमने उसमें जो 12 13 साल का जो है मेन हीरो प्रस्तुत किया है। सलमान खान क्या कैसे डायलॉग मतलब बोलते हैं और कैसे एक्सप्रेशन देते हैं मतलब एक साथ हंसने वाले सीन में एक साथ बहुत गुस्से वाले सीन में आ जाते हैं तो वो देखता हूँ बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मुझ पर एक एहसान करना मुझ पर कोई एहसान ना 100% जो है उम्मीद है कि हमारी जो मूवी है सुपर हिट होगी और सभी वर्गों के लिए सभी धर्म और हर समुदाय हर उम्र का बच्चा भी बड़े भी नौजवान भी इसे पसंद करें। हमारे मूवी के अंदर बहुत बड़े मैसेज हैं। मैंने बताया कि सामाजिक मुद्दों पर बनी हुई मूवी है जैसे पानी की कमी वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें दिखाने का कि पानी के बिना आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। दूसरे मुद्दे भी इसके अंदर हम जैसे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जैसा इसमें हमने थोड़ा सा अभियान शुरू किया है। हमने भी अपने जो गांव में अलीगढ़ में करीबन 50,000 वृक्ष हमने खुद लगाए हैं तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा इससे मैसेज मिलने वाला है। अच्छाई कितने भी छोटी हो बुराई कितनी भी मजबूत हो मगर अच्छाई की जीत होती है ये हमारा मैसेज है उसके। माई सॉन्ग इज़ कमिंग ऑन 6th of July। मैंने गाना किया है कृष्णा अभिषेक एक्टर के ऑपोजिट। फिल्म का नाम है तेरी भाभी है पगले। इट्स अ कॉमेडी एंड सुनिधि चौहान ने गाना गाया है और 6 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हो रही है। प्लस आई डन अ पंजाबी फिल्म ऑल्सो विद दलजीत विच इज़ रिलीजिंग ऑन 3rd of August। फिल्म इज़ कॉल जग्गा जिंदा है जिसमें मैंने SHO का किरदार निभाया है पुलिस का जो काफ़ी वायरल हो गया था बीच में तो वो 3rd August को फिल्म रिलीज़ हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक म्यूजिकल फिल्म करने जा रही हूँ जिसका एक शेड्यूल फिनिश हो चुका है। फिल्म इज़ कॉल बैंड ऑफ महाराजा। गिरीश मलिक उसके डायरेक्टर है एंड काफ़ी ज़बरदस्त रोल किया है मैंने उसमें और उसकी 3 महीने के लिए मैंने वर्कशॉप्स किए हैं। म्यूजिकल फिल्म में ढोल बजा रही हूँ रानी ताज का कैरेक्टर है। So I'm looking forward to that. Plus in June I'm going to Gulf where I'm doing Middle East tour with Bohemia, Geeta Bains, Deep Mani, Shraddha Pandit and so many like Bollywood people are there. So it's like the Dabang tour how Salman Khan does, no? So we're doing Middle East tour like the biggest extravaganza of 2018
And I'm doing 4 music videos also with Bohemian June, which we're shooting in Dubai. So I'm hands full right now. And I'm traveling back to back because of events, shows, appearances. So enjoying my work. Now I've come to support my friends for KRINA and hope the audience, the viewers, the fans, they can go on the 8th of June and watch their film.